सिरोली गोसपुर तहसील के एक गांव में बने मिनी सचिवालय में आज गांजा मिलने से हड़कंप मच गया। मिनी सचिवालय के कमरे में रखे भूसों में दो थैलों में भरकर गांजा रखा गया था। बाढ़ राहत के लिए मॉल कैंप की तलाश में निकले एसडीएम ने जब इस पंचायत भवन की छानबीन की तब यह खुलासा हुआ। इस पंचायत भवन पर गाँव के ही एक व्यक्ति का अवैध कब्जा है। फिलहाल एसडीएम के आदेश पर थाना अध्यक्ष के भवन के कब्जेदार के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि घाघरा के बढ़ते जल स्तर और बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बाढ़ आने के बाद प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाने खोजे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मॉडल कैंप बनाने के लिए निकले उप जिलाधिकारी सिरोली गोसपुर अजय कुमार त्रिवेदी बदोसरा थाने के कोटवा धाम पहुँच गए। यहाँ बने ग्राम मिनी सचिवालय में गाँव के चेतराम उफ चेतु ने पिछले काफी अरसे से अवैध कब्जा कर रखा है। इसके एक कमरे में भूसा भरा हुआ था। एसडीएम के मातहतों ने जब कमरे की छानबीन शुरू की तो कमरों में दो थैले संदिग्ध अवस्था में रखे मिले। थैलों की तलाशी ली गई तो उसमें गांजा भरा हुआ मिला। एसडीएम ने बदोसराय थाना अध्यक्ष को बुलाकर दोनों थैलों को सौंप दिया और आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश दिया। सर जी, गांजा बरामद हुआ है, इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें हम एक मॉडल बाढ़ राहत कैंप की स्थापना कर रहे हैं और इसके लिए हमने कोटवा धाम मंदिर के पास की जो जगह है उसको चुना था। वहाँ पर एक मिनी सचिवालय भी बना हुआ है, तो इसी के क्रम में मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया गया था। तो वहाँ पे जो है एक कक्ष में भूसे के साथ जो है दो थैले गांजे के पाए गए। लगभग 2 किलो की मात्रा का गांजा है। उस गांजे को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है और उस पर कड़ी कार्रवाई जो है की गई।